कलर्स के सीरियल तेरे इश्क में घायल में वियान को पता चल गया है कि ईशा उसकी सगी बहन नहीं है। हालांकि ईशा को इसकी जानकारी बहुत पहले से थी और अब वो अपने भाई को समझाने की कोशिश कर रही है कि इस सच के बाद उसका रिश्ता उसके भाई से कभी नहीं बदलेगा। इतना ही नहीं, ईशा बेहद परेशान भी है अपने भाई की रिसर्च को लेकर, क्योंकि विहान इन दिनों भेड़ियों के ऊपर रिसर्च कर रहा है। ऐसे में ईशा परेशान है कि कहीं विहान के सामने अरमान और वीर के भेड़िये होने का सच आ ना जाए, इसीलिए वो अपने भाई का माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश में लगी है। जी, ईशा को बहुत पहले पता चल गया दैट शी वॉज अडॉप्टेड, उनकी असली माँ कोई और है, और उन्होंने अपनी असली माँ तक पहुँचने की कोशिश भी बहुत की जो कि वो पहुँच नहीं पाई। लेकिन अभी उन्हें सही वक्त लगा उनके भाई को बताने का कि मैं उनकी रियल सिस्टर नहीं हूँ। बट ऑल्सो शी गिव्स हिम द अश्योरिटी कि खून का रिश्ता नहीं है तो फिर भी कुछ बदलने नहीं वाला है हम दोनों के बीच में। और उसी दौरान मुझे थोड़ा सा टेंशन भी है कि वियान को कहीं भेड़ियों का सच ना पता चल जाए, बिकॉज वो इस वक्त भेड़ियों के ऊपर काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं और मैं नहीं चाहूँगी कि अरमान या वीर क्या सारा या किसी की भी सच्चाई सामने आए। सो यही सब चीज़ें हैं, तो एक इमोशनल मोमेंट था दोनों भाई बहन के बीच। वेल, वियान की लाइफ में अडॉप्शन वाली बात सुन के तो कोई चेंज नहीं आएगा, बट भेड़ियों के टॉपिक को लेके वो कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट है इस वक्त, जिस वजह से ईशा को लगता है कि कुछ तकलीफें आ सकती हैं अगर वियान को पता चल जाए तो। और वो उनका छोटा भाई है तो वो वियान को प्रोटेक्ट भी करना चाहती हैं। सो इसलिए ईशा कोशिश कर रही है कि वियान इन सब चीज़ों से दूर रहे, बट वियान जो है वो दिन ब दिन और करीब जाता जा रहा है। कलर्स के सीरियल तेरे इश्क में घायल में वियान को पता चल गया है कि ईशा उसकी सगी बहन नहीं है। हालांकि ईशा को इसकी जानकारी बहुत पहले से थी और अब वो अपने भाई को समझाने की कोशिश कर रही है कि इस सच के बाद उसका रिश्ता उसके भाई से कभी नहीं बदलेगा। इतना ही नहीं, ईशा बेहद परेशान भी है अपने भाई की रिसर्च को लेकर, क्योंकि विहान इन दिनों भेड़ियों के ऊपर रिसर्च कर रहा है। ऐसे में ईशा परेशान है कि कहीं विहान के सामने अरमान और वीर के भेड़िये होने का सच आ ना जाए, इसीलिए वो अपने भाई का माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश में लगी है। जी, ईशा को बहुत पहले पता चल गया दैट शी वॉज अडॉप्टेड, उनकी असली माँ कोई और है, और उन्होंने अपनी असली माँ तक पहुँचने की कोशिश भी बहुत की जो कि वो पहुँच नहीं पाई। लेकिन अभी उन्हें सही वक्त लगा उनके भाई को बताने का कि मैं उनकी रियल सिस्टर नहीं हूँ। बट ऑल्सो शी गिव्स हिम द अश्योरिटी कि खून का रिश्ता नहीं है तो फिर भी कुछ बदलने नहीं वाला है हम दोनों के बीच में। और उसी दौरान मुझे थोड़ा सा टेंशन भी है कि वियान को कहीं भेड़ियों का सच ना पता चल जाए, बिकॉज वो इस वक्त भेड़ियों के ऊपर काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं और मैं नहीं चाहूँगी कि अरमान या वीर क्या सारा या किसी की भी सच्चाई सामने आए। सो यही सब चीज़ें हैं, तो एक इमोशनल मोमेंट था दोनों भाई बहन के बीच। वेल, वियान की लाइफ में अडॉप्शन वाली बात सुन के तो कोई चेंज नहीं आएगा, बट भेड़ियों के टॉपिक को लेके वो कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट है इस वक्त, जिस वजह से ईशा को लगता है कि कुछ तकलीफ़ें आ सकती हैं अगर वियान को पता चल जाए तो। और वो उनका छोटा भाई है तो वो वियान को प्रोटेक्ट भी करना चाहती हैं। सो इसलिए ईशा कोशिश कर रही है कि वियान इन सब चीज़ों से दूर रहे, बट वियान जो है वो दिन ब दिन और करीब जाता जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट दे के अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।